so much, sir. Thank you for this opportunity. And I would first and foremost welcome all of you, all divine souls who are a part of this session. I started this journey of occult sciences long back. और बहुत सारी मोडालिटीज जैसे शिल्पी गुप्ता जी ने सीखी थी, मैंने भी सीखी. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू एक्चुअली गेट योर पाथवे. इट इज अ कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, सो इट इज दैट वी ऑल आर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे. रीजन बीइंग कि यूनिवर्स ने हमें कनेक्ट किया. वी वर चोजन बाय द यूनिवर्स. So for this reason, we all are connected, and thanks to Rajiv sir, who's offered this platform, who's given us this opportunity, or aap logon ke liye bhi, because you are a part of it. We are a family. Jaisa ke piche aapne suna bhi, hamare kuch participants hain jinhone khud bola ke ha, we were missing because of festival season. We couldn't have classes, and really even I was missing it. क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे फैमिली कनेक्ट नहीं है. वेल, कमिंग ऑन टू टैरो, द बेसिक साइंस, टैरो अपने आप में एक मिस्टिकल साइंस है. इट इज अ साइंस विच इज बेस्ड ऑन सिंबल्स. बहुत पुराने टाइम से है ये, और पहले ये यूज होती थी बाय पीपल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ओनली. लेकिन आज की डेट में टैरो इज अ कंप्लीट साइंस जिससे हम फ्यूचर ही नहीं, पास्ट भी और प्रेजेंट भी पूरा हम शेयर कर सकते हैं. आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन. ओके, टैरो डेक, द वन विच वी यूज फॉर दिस बेसिक टू एडवांस कोर्स इज राइडर वेट्स डेक. राइडर वेट्स डेक एक सैंपल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरी वन. जी जी जी, ओके. सो दीज आर फ्यू सिंबल्स. अब देखने के लिए आप सोचेंगे दीज आर फ्यू कार्ड्स एंड फ्यू सिंबल्स, व्हाट कुड दे स्पीक. बट यस, दे हैव अ वेरी डीप इनसाइट इनटू आवर ओन लाइफ. हमारी खुद की लाइफ, हर कार्ड के एस्पेक्ट को जैसे जैसे हम अनफोल्ड करते हैं, जैसे जैसे ये 78 कार्ड्स के डेक की हम जर्नी तय करते हैं, over a period of time we realize that it is our own life. Jo log is workshop ka hissa rahe hain, when they share their experiences, you'll come to know they have experienced a major change in their life, change in the thought process, change in the way they used to perceive things. Ye keval future prediction ke liye use nahi hote. Tarots actually define how life moves on from a very childhood. जैसे ये first card जो आप देख रहे हैं, जिसपे लिखा है the fool, ये देख रहे हैं ये वाला card, इसपे लिखा है the fool. This is the beginning of the journey. Fool से ये journey होते होते कहाँ तक चली जाती है, और कितना ये recklessly खड़ा हुआ है, अपने हाथ में एक stick लिए, एक पोटली बांधे. So each and every step and each and every symbol, color, इसके कपड़ों पे जो print है, जो पास में एक छोटा सा dog है, ये सारे symbols होते हैं जो हमें life के उस particular incident को define करने में help करते हैं. Tarot cards बहुत ancient time से चलते आ रहे हैं. पहले लोग इसे use करते थे, फिर बीच में कुछ churches ने इसे ban कर दिया था. And then now again, tarots are being used as a divination tool. Ek divination tool kyun hai? Because here we are working as light workers. Jo log hum log ye sab seekhte hai, we share the knowledge, we carry it forward. In a way, we are showing way. Hum guide kar rahe hai. So when you're guiding someone, you're working as a light worker.
आप उन्हें रोशनी दिखा रहे हैं आगे जाने के लिए। तो वो रोशनी आप टैरो के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, ये पूरा हम इस कोर्स में कवर करते हैं। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द बेसिक कोर्स वुड कवर। पहला तो आपका रहेगा व्हाट एग्जैक्टली इज टैरो, टैरो है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, हम टैरो को क्यों यूज करें। हमारे पास आज की डेट में प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, व्हाई स्पेसिफिकली टैरो, ये डिविनेशन टूल कैसे हुआ। सो अ सिंपल एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज कि जब टैरो कार्ड्स का डेक हम अपने हाथ में पकड़ते हैं एंड वी सिंपली क्लोज आवर आईज, बिना कोई कार्ड को देखे भी, वी कैन फील दोज एनर्जीज। वो एनर्जीज इतने डीप कनेक्ट करते हैं हमसे, वो कार्ड्स हमसे बातें करने लगते हैं। एवरी डे आई पिक आउट अ कार्ड और जब मैं वो कार्ड निकालती हूँ, आई सिंपली हैव दिस थिंग इन माइंड कि कोई ऐसा मैसेज दीजिए जो सबकी भलाई के लिए हो। और मेरे पास कार्ड आता है, आई शेयर इट विथ माई ग्रुप मेंबर्स एंड ऑन माई स्टेटस। तो आई हैव रियली नोटिस मेनी पीपल हु गेट इनसाइट्स अबाउट देयर डे फ्रॉम दिस कार्ड, एक सिंगल कार्ड से। और इसी को जब हम एक स्प्रेड के फॉर्म में मल्टीपल कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो ये आपकी पूरी लाइफ के बारे में बता देता है। मोर ओवर टैरो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर ओन हायर सेल्फ। आपके पास अगर कोई क्वेरेंट आया है, आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो आप उनके हायर सेल्फ, उनकी प्रेजेंट एनर्जी से कनेक्टेड हैं। प्लैनेट्स का असर इन टैरो कार्ड्स में भी देखने को मिलता है। एज वी मूव ऑन टू द जर्नी, यू विल आल्सो कम टू नो हाउ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी आर रिलेटेड, हाउ टैरो एंड न्यूमरोलॉजी आर रिलेटेड। देन आप अपने बारे में और बेहतर जान पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट पीपल, ऐसे क्वेरेंट्स आते हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो इट इज व्हेन वी स्टार्ट डिस्कवरिंग आवर सेल्फ, अपनी खुद की ऑरा को हम देखते हैं, अपनी खुद की ऑरा के बारे में जानते हैं, हम अपने चक्रास को क्लियर करना सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं विद गाइडेड मेडिटेशन। सो दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, डे टू डे बेसिस पे जैसे जैसे क्लासेस होती हैं, वी स्टार्टेड स्टेप वाइज, ताकि जब तक आप कार्ड्स को देखें और जब तक आप कार्ड्स को यूज करना शुरू करें, तो एटलीस्ट योर चक्रास आर क्लियर एंड अलाइंड। सो इट ऑल्सो इज बिल्डिंग अ न्यू इंसाइट इन यू, अ डीप रूटेड चेंज इन यू। एंड देन इट इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, टैरो कार्ड्स में सिंबल्स बने हैं, इस लैंग्वेज को हमें पढ़ना कैसे है। टैरो हमारी जिंदगी का ही एक आईना है। सो हाउ डू वी गेट इन टू इट, हाउ डू वी एक्चुअली सी आर सेल्व्स बाय वे ऑफ टैरो। ये डेक कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सी राइडर वेट का जो डेक है वो सबसे पुराना डेक है, जो हम उसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज इस कोर्स में कवर अप करेंगे। एंड एज फार एज द डेक इज कंसर्न्ड, लाइक इन द प्रीवियस बैच ऑल्सो सर ने बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे डेक अवेल कराया था सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो डेक यू कैन अवेल फ्रॉम सर ऑल्सो, एंड इफ यू हैव योर ओन डेक देन फेयर टू गो, बिकॉज मेनी पीपल हु जॉइंड द वर्कशॉप were already practicing tarot and then they got new insights on it. Then aap apne deck ko clear kaise karenge, charge kaise karenge, aap apni intuitive abilities ko kaise enhance karenge, ye bhi is workshop ka ek hissa hai. Iske liye aapko meditation aur alag alag cheeze batai jayengi jisse ki aap dheere dheere karke apni intuitive abilities ko enhance kar sake. Then a glimpse of major arcana. हमारा जो टैरो डेक है 78 कार्ड्स का, उसमें ये 22 कार्ड्स हैं जिन्हें हम मेजर आर्काना बोलते हैं। मेजर आर्काना हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं।
जो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं. अब आप इन सब में देखेंगे अलग अलग सिंबल्स और कलर कॉम्बिनेशंस का यूसेज है. इन्हीं को इंटरप्रेट करके हम पूरी कहानी बता सकते हैं. आपका पास्ट कैसा था, आपकी एनर्जीज प्रेजेंट में क्या है, और आने वाले कल में एनर्जीज क्या सिग्निफाई कर रही हैं. इसके अलावा आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको क्या एनहांस करना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए. सो ऑल दीज इवेंट्स आर अनक्लोज्ड और डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स. इसके बाद 16 कोर्ट कार्ड्स आते हैं. जैसे हम लोग जो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स में देखते हैं, कोर्ट कार्ड्स होते हैं, देयर इज अ किंग, अ क्वीन, अ जैक. तो ये सारे कोर्ट कार्ड्स इसमें भी हैं. वी हैव किंग, वी हैव पेज, वी हैव नाइट, वी हैव क्वीन, और हर किसी के सिंबॉलिक लैंग्वेज के हिसाब से ही उनके इंटरप्रिटेशंस होते हैं. ये कोर्ट कार्ड्स हमारी लाइफ में हो रहे चेंजेस को भी डिफाइन करते हैं. And it is very much required to interpret each and every symbol of it to get the maximum knowledge and information out of it. Then these are the minor arcanas. Now they deal in four basic symbols. आप यहाँ पे देखेंगे इन pictures में, अगर सबसे ऊपर आप देखेंगे ये wands का symbol है. वॉन्ड्स बताते हैं आप कितने ग्राउंडेड हैं, कितनी फायर है आपके एम्बिशंस के लिए. दे रिप्रेजेंट द फायर एलिमेंट. सिमिलरली कप्स, कप्स हमें बताते हैं इमोशंस, पानी, वॉटर एलिमेंट. हाउ मच वॉटर एलिमेंट इज देयर. देन स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट द एयर एलिमेंट, हमारे दिमाग, हमारी सोच, ये स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं. और पेंटेकल्स रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंस. तो ये चार बेसिक चीजें हैं. हम इस दुनिया का हिस्सा है. टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड वी आर डीलिंग विद डे टू डे एक्टिविटीज रिलेटेड टू दीज फोर एलिमेंट्स on our daily life. Minor arcanas हमारी day-to-day activities को define करते हैं. क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, अभी हमारी energy हमें क्या बोल रही है, और उससे related हम guidance भी इसी से ले सकते हैं. So it is a complete picture of what your energies are. At times we don't know, we might feel a bit drained out. हमें लगता है ना कि आज तबियत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही. पर क्यों नहीं लग रही, हमारी एनर्जी फील्ड में क्या प्रॉब्लम है, ये आप इजीली टैरो के जरिए पता लगा सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो गिव अ सूटेबल रेमेडी फॉर इट, क्योंकि रेमेडीज भी टैरो में ही छुपी हुई हैं. ये कार्ड्स सिर्फ आपको प्रेडिक्शन में हेल्प नहीं करते, ये कार्ड्स आपको रेमेडीज भी देते हैं. आप कौन सी रेमेडी कब यूज करें इसके भी पूरे इंसाइट्स हैं. Then how tarot and astrology are related. They are dono systems ko hum use karte hain to gain insight about ourselves. Hame khud ko bahut inquisitive hote hain to know what is happening in our life, what will happen in future. But astrological divination is based on trackable phenomena, that is the moving of planets. Tarot on the other hand is, it is random. क्यों? क्योंकि कार्ड्स को आप शफल करते हो और ड्रॉ करते हो बाय चांस, विच इज मोर गवर्न्ड बाय योर प्रेजेंट एनर्जी, नॉट बाय प्लैनेट्स, नॉट बाय एनी फिनोमेना दैट यू कैन इजिली कीप अ ट्रैक ऑन. क्योंकि आज अगर आपकी एनर्जी कुछ और बोल रही है, हो सकता है एक वीक बाद आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए. सो दिस एनर्जी शिफ्ट कैन चेंज बेसिक थिंग्स. दिस इज हाउ वी कैन इवन बिल्ड ऑन आवर कर्मास. कार्मिकली हम अपने अकाउंट्स को कैसे क्लियर करते हैं, इसकी भी पूरी इंसाइट आपको टैरो से मिलती है. जैसे हम कहते हैं ना, टैरो करने वाले इंसान अपना कर्मा क्लेंस करता है, बिकॉज ये इंसाइट आपकी एनर्जी को और डीप ले जाती है.
You get attached to a more divine world and it is totally a different feeling. Then, tarot and numerology. Major or minor arcana. Har card mein numbers diye hain. Aur har number ek unique numerological meaning leke aata hai. Yani ke har number ke 5 cards hain. Now suppose if I'm talking about number 1. Isme kya aa gaya? Magician card aa gaya. Major arcana ka. Phir aise cards jisme ace hai. Ace means 1. Ace of Wands, Swords, Cups, Pentacles. तो ये सारे क्या एक मैसेज देते हैं? अंडरलाइंग मैसेज है इसका न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नया होने वाला है. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. तो न्यूमरोलॉजी भी काफी हद तक यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है एंड इट इज इंटरकनेक्टेड. ये एक हेल्पफुल अप्रोच है. न्यूमरोलॉजी टैरो साइकिल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. नंबर्स स्टेबल भी होते हैं. ऑड नंबर्स जनरली अलग अलग स्टेट्स बताते हैं, चेंज बताते हैं, इनस्टेबिलिटी बताते हैं. टैरो जो है वो साइक्लिकल है. मतलब अगर एक कार्ड में आ रहा है कि कुछ एंड हो रहा है तो वी डोंट रीड इट एज एंड. वी ऑलवेज मूव विद अ पॉजिटिव इनसाइट कि दिस इज अ न्यू बिगिनिंग. As it has already been said in different mythologies that we read, that death is never the end. It is a new beginning. Soul reincarnates. Chahe aap Bhagavad Gita padhe, chahe aap koi bhi spiritual ya mythological book padhe, har jagah yahi diya hai ki soul reincarnate hota hai. It is a new beginning. It is only the physical body changing. So similarly, tarot mein bhi jo cards एंडिंग दिखाते हैं दे इंडिकेट के कुछ नया होने वाला है. सो इट टीचेस यू अ वे टू लुक एट थिंग्स विद अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. आपका आउटलुक ही चेंज हो जाता है हर चीज को लेकर. नाउ टैरो एज आई सेड के इट कैन बी यूज्ड एज रेमेडीज. दिस इज वन कार्ड दैट आई चोज. इस कार्ड में आप देखेंगे एक कॉइन है. इस कॉइन में स्टार बना हुआ है. दिस कार्ड इज नोन एज एस ऑफ पेंटिकल्स. नाउ एस मींस नंबर 1. 1 का मतलब कुछ नया. पेंटिकल्स फाइनेंस, तो न्यू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, कुछ नया आने को है. फिर आप जो हाथ देखेंगे वो हाथ बादलों से आ रहा है. यानी कि समथिंग फ्रॉम द डिवाइन इज कमिंग टू यू. कुछ नया डिविनेशन आपके पास आ रहा है, आपके हाथों में आ रहा है. और ये हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो जो रोशनी है वो व्हाइट लाइट ऐसे है कि डिवाइन एनर्जी से भीगी हुई है पूरी. सो इट मींस समथिंग पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल कमिंग योर वे. इस कार्ड को, इस कार्ड के प्रिंट आउट को एज रेमेडी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम इसे अपनी वर्क प्लेस पे यूज करते हैं. जैसे आपका ऑफिस है, आप जहाँ काम करते हैं इस कार्ड का आप एक प्रिंट आउट लेके उसको लैमिनेटेड फॉर्म में आप अपनी वर्क प्लेस पे रख लें तो इट विल इंक्रीज योर प्रोस्पेरिटी. आपकी फाइनेंशियल इनकम धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी. ये फाइनेंसिस को खींचता है. बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इसे फॉलो किया है एंड देर आर सेवरल सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने महसूस भी किया है एंड आई गॉट अ फीडबैक. तो ये तो बिजनेस को और फ्लरिश करने के लिए एक सिंपल रेमेडी है. आज एक मैंने आपके साथ शेयर किया. ऐसी काफी सारी रेमेडीज हैं जो रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए यूज होते हैं एंड दीज आर टैरो कार्ड्स ओनली दैट वी यूज. Now, tarot as remedies can also be like आप cards को अलग अलग जगह पे place करते हैं. जैसे वास्तु में हम directions follow करते हैं, ऐसे ही tarot में कुछ directions होते हैं जहां हम place करते हैं, वहां से हम attract करते हैं उस चीज को. फिर इन cards को हम meditation के form में भी use करते हैं to manifest success.
अभी जैसे हमारा बेसिक टू एडवांस जो था उस कोर्स में अभी हम स्प्रेड्स पे काम कर रहे हैं. वी टॉक्ड अबाउट सर्टन रेमेडीज. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वील बी डीलिंग विद दीज रेमेडीज जो कि आप आगे अपने क्वेरेंट को भी दे सकते हैं. देखिए आप अपने क्वेरेंट को कुछ भी परचेज करने के लिए बोलेंगे अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा परेशान है तो एक सिंपल सा प्रिंट आउट लैमिनेटेड फॉर्म में आप अपने पास रख सकते हैं कि अगर वो बिजनेस फ्लरिशिंग के लिए मांग रहे हैं तो आपने एस ऑफ पेंटिकल्स का दे दिया कि भैया ये अपनी वर्क प्लेस पे रख लेना आपको फर्क महसूस हो जाएगा. बिकॉज पीपल डू एक्चुअली रियलाइज व्हेन दे सी द रिजल्ट्स. उनके पास कुछ होगा तो वो उसका रिजल्ट देखेंगे एंड दे विल रियलाइज. देन स्पेल कास्टिंग ऑल्सो यूजिंग टैरो कार्ड्स. स्पेल कास्टिंग इज नॉट के कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रहे. स्पेल कास्टिंग इज बेसिकली कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक पॉजिटिव वे में अपनी विशेस को. एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव अ लॉट नंबर ऑफ विशेस. तो इनको हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे इन टैरो कार्ड्स को. स्पेशली कौन से टैरो कार्ड को कौन सी विश के लिए यूज करेंगे उस पे कैसे हमें स्पेल करना है वो पूरी डिटेल्ड आपके साथ शेयर की जाएगी इन द पोर्शन ऑफ रेमेडीज विच इज कवर्ड इन एडवांस प्लस. सो दिस इज अ जिस्ट ऑफ व्हाट द टैरो वर्कशॉप विल लुक लाइक. बेसिक का कवर किया. एडवांस में भी आपको एक इनसाइट दे दिया कि ये चीजें हम कवर करेंगे.